हेलो दोस्तों, आई एम आशीष कुमार, सिविल इंजीनियर। आज हम एक खास टॉपिक देखेंगे और इजी कैलकुलेशन देखेंगे कि आप मकान बना रहे हो तो मकान जब भी बना रहे हो तो आप उसमें ब्रिक की संख्या कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। मान लीजिए सपोर्टेड जिससे आप ड्राइंग बनाए वो आपको नक्शा बना के दे दिया और नक्शा के आधार पर जो है उसमें आप उसमें ब्रिक की संख्या कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 100 CFT यानी ब्रिक जो है उसका कैलकुलेशन आपका CFT में होता है यानी क्यूबिक फीट में और मीटर क्यूब में होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि ब्रिक का जो डायमेंशन यानी वो आल जो है उसका CFT में है तो उसमें कितना ब्रिक की संख्या लगेगा। तो हम फर्स्ट काम आपको क्या करना है कि जो आपका ड्राइंग है उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना CFT है यानी कितना CFT में हमको जो है वाल तैयार करना है। तो मान लीजिए सपोर्टेड आपके पास 100 CFT है तो 100 CFT में आप इजी तरीका से ब्रिक की संख्या कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, आइए हम देखते हैं। बहुत ही इजी तरीका बताएंगे। जैसे आप जानते हैं कि 1 ब्रिक का जो साइज होता है यानी हम देखेंगे 1 ब्रिक का जो साइज आपका होता है जो कि आपका स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि इंडिया में आपका यूज किया जाता है उसका साइज आपका होता है 9 इंच × 4.5 इंच × 3 इंच जिसमें 9 इंच लेंथ हुआ, ये ब्रेथ होता है, ये आपका थिकनेस दिया हुआ रहता है। और जो ब्रिक का वाल हम तैयार कर रहे हैं इसमें थिकनेस जो हम यूज करेंगे वह थिकनेस जो ऑफ मोर्टार जो होगा वो हम 10 mm का लेंगे। थिकनेस ऑफ मोर्टार जो कितना यूज करेंगे 10 mm का। हम फर्स्ट क्या करेंगे कि 1 ब्रिक जो है 1 ब्रिक का हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो 1 ब्रिक का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वॉल्यूम बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये इंच में है इसको आप फीट में चेंज कीजिएगा। तो फीट में चेंज करने के बाद ये आपका हो जाएगा 0.75 फीट × 4.5 इंच को कन्वर्ट कीजिएगा 0.375 फीट × 3 इंच को कीजिएगा तो 12 से डिवाइड करने के बाद कितना जाएगा 0.25 फीट। इसका जो वॉल्यूम आपका आया कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा 0.0703 CFT। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल जो 1 ब्रिक का वॉल्यूम आया 0.0703 CFT। अब नंबर ऑफ ब्रिक आप इजी तरीका से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक यानी नंबर ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा यानी आपके पास 100 CFT में वाल तैयार करना था यानी जो दीवार तैयार कर रहा है ब्रिक वाल वो आपका 100 CFT में। 100 CFT के लिए क्या हो जाएगा 100/0.0703। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आपका डाटा आ जाएगा 1422 नंबर ऑफ ब्रिक। तो ये तो हो गया कि विदाउट मोर्टार यानी हम मोर्टार का इसमें यूज नहीं किया है। अब हम विथ मोर्टार कैलकुलेशन करेंगे। तो विथ मोर्टार जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उस केस में क्या होगा विथ मोर्टार, तो विथ मोर्टार के केस में क्या होगा कि इसमें मोर्टार का जो थिकनेस है 10 mm है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो जब कंसिडर किया जाएगा तो ब्रिक जो साइज है मोर्टार के साथ आपका कितना हो जाएगा, ये जो 9 इंच है वह आपका 9.4 इंच हो जाएगा इंटू और ये 4.5 इंच है वह आपका 4.9 इंच हो जाएगा और इंटू 3.4 इंच ये हो जाएगा। जब आप इसको अब इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो जब इसका वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे तो वॉल्यूम कैलकुलेशन फीट में करेंगे तो इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे तो फीट में कन्वर्ट जब आप कीजिएगा तो इसका जो डाटा आएगा वह आपका आएगा 0.783 × 4.9 इंच का आएगा 0.408 × 3.4 इंच का आपका आएगा 0.283 फीट। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका वॉल्यूम आपका आ जाएगा 0.0905 CFT। तो हम देख रहे हैं कि 1 ब्रिक का जो वॉल्यूम है विथ मोर्टार वो आपका 0.0905 CFT आया। तो आप डिजिटल तरीका से जो है नंबर ऑफ ब्रिक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना आ जाएगा आपका यानी ब्रिक की संख्या बराबर आपका आ गया विथ मोर्टार है तो 100 बटे क्या कीजिएगा 0.0905। जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद ये डाटा आपका आएगा 1105 नोट। तो यहाँ पर हम देखें कि 100 CFT जो है यानी 100 CFT में आपका नंबर ऑफ ब्रिक कितना आया। तो फर्स्ट केस में हम देखें कि विदाउट मोटार यानी जब मोटार यूज नहीं किए थे तो उसका संख्या कितना आया 1422 नंबर ऑफ ब्रिक और जब हम मोटार का यूज किए तो उसका संख्या कितना आपका आया, ये संख्या आपका आया 1105 नंबर ऑफ ब्रिक। तो इस टाइप से हम किसी भी कितना भी CFT के लिए इजी तरीका से ब्रिक की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं।